मंगवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के नौ मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान की सदर चौधरी जुबैर अहमद वड़ाइच सरपरस्ती आला चौधरी फैसल मसूद वड़ाइच की क्यादत में डी पी ओ गुजरात उमर सलाम से खसूसी मुलाकात। खसूसी मुलाकात में मंगवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ओहदेदारान और मेंबरान ने मुमताज़ साफ़ी नायब सदर मंगवाल प्रेस क्लब शहराज यूसुफ के बेमाना कत्ल पर सख्त एहतजाज किया और कातलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। इसी मौके पर डी पी ओ गुजरात ने मंगवाल प्रेस क्लब के वफद को कातलों की फौरी गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की यकीन दहानी करवाई। वफद में शामिल दीगर अरकान में वाइस चेयरमैन चौधरी साकब बशीर सपरा, सीनियर नायब सदर मोहम्मद खालिद मिर्जा, जनरल सेक्रेटरी शहजाद तसीम मदनी, नायब सदर शाहजेब शबीर बाजवा, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन अबीर खान चौधरी, सीनियर साफी वाजिद अजीज़ भट्ट, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फरहान परवेज, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन इसान उलग नाजिश, ज्वाइंट सेक्रेटरी शहजादा फारूक अहमद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एम बी जमशेद, नायब सदर नदीम नबरे शिवा और दीगर भी इनके हमराह थे। इसी मौके पर डी पी ओ गुजरात उमर सलामत ने मुमताज़ साफ़ी शहराज यूसुफ के नाहक कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया। मजीद उन्होंने कहा कि क्या हाल है फैसल साहब, खैरियत से आप ठीक हैं जी? अच्छा जी, मुझे पता है जी, वेरी सैड। पुलिस तो अपनी कोशिश कर रही है, जो पंजाब सरकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो तमाम जो मुसलमान जो नामजद किए गए उनको फौरी सर गिरफ्तार किया जाए, अभी उसका जनाजा दो। यार आप ये बिल्कुल फिक्र ना करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक आम शहरी का मर्डर जो है मैं समझता हूँ, और फिर तो ये तो साफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखता था, ये हम इंशाल्लाह ताला इस पर पूरी अपनी तवानाइयों के साथ लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह अज़ीज़ एक नामजद बंदा पकड़ा हुआ है, बाकी और भी हमने पर्चे वर्चे दिए हैं, रेड्स मुसलसल कर रहे हैं, उनका हमने PNIL के अंदर नाम डाल दिया है, ठीक है ना, ताकि वो कोई मुल्क से फरार होने की कोशिश ना कर सकें। और मैंने उसको कहा है कि एलीट टीम चाहिए, DSP मैंने और SP इन्वेस्टिगेशन साहब के मैंने ज़िम्मे लगाया, और इंशाल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से हम इंशाल्लाह जल्दी आपको ये सारे बंदे कानून के कटहरे में ला के देंगे इंशाल्लाह। सर पहले आपका तलब मंडी बहुत मैं मंडी बहुत में बेसिकली मैं खाली अब प्रेस क्लब से था, मैं 3 दिन पहले जाएंगे क्योंकि तो मेरा गाँव था। सर मैं आपकी एफर्ट्स को पहले भी जान तो अच्छी और सर 94-95 से शबाब इजाज साहब हमारे पास थे, सर उनकी एफर्ट्स पे कोई शक नहीं कर सकता, हम यही चाहते हैं कि उनको जितनी सपोर्ट चाहिए, ये आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरा जिला जो है जी, वो कोई भी, ये तो खैर मैंने पहले कहा ना, ये तो एक इम्पॉर्टेंट केस हमारे लिए इसलिए हो गया कि उसमें एक जर्नलिस्ट भाई के साथ ये जुल्म हुआ है, इसके अलावा भी जितने भी मामलात हैं, बल्कि एक बकरी चोरी से लेके मर्डर तक, उसको हम पर्सनल जो है, और ये हमारी कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी चीज़ के हम आपके सामने जवाब दे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसमें बड़ी जल्दी आपको हम रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। हाँ।